आज हम पढ़ेंगे बीजाणुओं के लक्षण। बीजाणु न्यूक्लियो प्रोटीन कण होते हैं। ये केवल जीवित कोशिका ही में ही प्रजनन कर सकते हैं। अगर जीवित कोशिका हो तो ही बीजाणु प्रजनन कर सकते हैं, वरना बीजाणु विकसित नहीं हो सकते। बीजाणुओं में केवल एक प्रकार का ही न्यूक्लियक अम्ल अर्थात केवल डीएनए या आरएनए उपस्थित होता है। ठीक है, बीजाणुओं में न्यूक्लियक अम्ल सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तीसरा, बीजाणुओं में प्रतिजैविकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इसमें स्वयं का प्रोटीन संश्लेषण तंत्र नहीं पाया जाता। ठीक है, चौथा, बीजाणु निलंबन द्वारा अलग किए जा सकते हैं। बीजाणु एक निलंबन विधि होती है जिसके द्वारा उन्हें अलग किया जा सकता है। बीजाणुओं में क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं और विभिन्न बीजाणुओं में भिन्न भिन्न प्रकार का जीनोम, अर्थात इनका जीनोम कैसा होता है, अलग अलग होता है अलग अलग बीजाणु में, अर्थात SSRNA, DSRNA, SSDNA या DSDNA पाया जाता है।